अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोटीन के रिलेटेड, कि इसमें हमने बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ने हैं कि प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है, या आप के अंदर जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं या आप डाइट से इनटेक करते हो तो वो प्रोटीन जो है आपके बॉडी के अंदर क्या फंक्शन प्ले करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल उनके होते हैं, ये आज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चर, मैं आपको एक बार ये सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दूं। एनर्जी सोर्स है, डिफेंस ऑफ बॉडी है, डाइट्री प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इसके अलावा ये है रिजर्व फूड, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड क्लॉटिंग, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन एंड क्रोमोसोमल मूवमेंट है। सबसे पहले है प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं कि कोई भी जानदार है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो उसका जो बेसिक यूनिट है, जिस चीज़ से वो मिलकर बना है, वो क्या होता है, सेल। और जब भी सेल का जिक्र करते हैं तो हम दो तरह के कहते हैं कि प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं। तो प्लांट सेल्स की हम स्पेसिफिक खसूसियत ये बताते हैं कि उनके आउटर वाल सेल वाल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि एनिमल सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसकी सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड, इसका जो इंटीग्रल पार्ट होते हैं वो लिपिड प्लस प्रोटीन होते हैं। कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो इसलिए जो सेल है वो आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आपके जो प्रोटीन है वो आपका स्ट्रक्चरल मटीरियल है। आपके तमाम सेल्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी सोर्स। जब हम कहते हैं कि ये तो आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा है, एनर्जी सोर्स क्या होता है कि जो आप प्रोटीन इनटेक करते हो, आप डाइट से लेते हो, जैसे कि आप पल्सेस में होती हैं प्रोटीन, दालों के अंदर, गोश्त के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो जब ये आप प्रोटीन इनटेक करते हो तो ये आपके डाइट का हिस्सा है, आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसका जो डाइजेस्ट होने का प्रोसेस है, प्रोटीन जो है वो बना हुआ होता है अमाइनो एसिड्स का। प्रोटीन बनी हुई होती है अमाइनो एसिड। जब हम अमाइनो का जनरल फार्मूला स्टडी करें तो ये अमोनिया ग्रुप होता है, इसके एक साइड पे एसिडिक ग्रुप पाया जाता है, एक साइड पे जो है हाइड्रोजन होती है और साइड चेन होती है। अमोनिया जो होता है ये आपका वेस्ट मटेरियल है, इसको बॉडी से रिमूव करना होता है। तो जिस प्रोसेस के जरिए अमाइनो एसिड से अमोनिया रिलीज होता है वो प्रोसेस कहलाता है डी अमाइनेशन। तो डी अमाइनेशन के नतीजे में अमोनिया रिलीज हो जाएगा, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप लोगों के मजीद जो साइकिल हैं, जैसे कि क्रेब साइकिल जो कि सेल के अंदर होते हैं, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ये दो प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस के अंदर ये बाकी प्रोडक्ट जो हैं यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ बॉडी। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि एंटीबॉडीज या आपकी डिफेंस जो होती हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये जब कोई एंटीजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो ये उससे को एंटीबॉडीज़ उससे डिफेंड करती हैं, यानी कि वो वायरस बैक्टीरिया को एंटीबॉडीज़ किल कर देती हैं। इसके अलावा जो वायरस है, वायरस का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन। क्योंकि वायरस जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक इसमें होता है कोट और एक इसमें होता है कोर, इसके दो हिस्से होते हैं। कोर के अंदर डीएनए होता है और कोट के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। तो मतलब क्या कि वायरस का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्रोटीन है। डाइट्री प्रोटीन, आप फूड से इनटेक करते हो, आप खुराक से लेते हो प्रोटीन, तो उसमें भी जैसे कि आपकी पल्सेस वगैरह आप लेते हो, गोश्त वगैरह आप लेते हो, तो उसके अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है। और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है प्रोटीन, क्योंकि नाइट्रोजनस मटेरियल है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। तो ये आपके बॉडी को ये दोनों इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन का लें, 1 ग्राम,
तो उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो होते 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है प्रोटीन। प्रोटीन का 1 ग्राम से 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी मुहैया होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर का भी अहम सोर्स प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस। कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसकी शरह को बढ़ा देते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम जो होते हैं वो मेनली बने हुए होते हैं प्रोटीन के। एंजाइम्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और दो इसके पार्ट्स होते हैं, कुछ एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कुछ में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है। तो एंजाइम किसके बने हुए हैं? एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं ये आप लोगों के जो रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, उसको उसमें इन्वॉल्व होते हैं हार्मोन्स। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स हो गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें से काफ़ी सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसे कि इंसुलिन है और ग्रोथ हार्मोन। ये दो हार्मोन ऐसे हैं मेजर हार्मोन्स जो कि प्रोटीन के बने हुए। इसके अलावा और हार्मोन्स भी हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। रिजर्व फूड आपके बॉडी के अंदर जो है ये रिजर्व फूड के तौर पर भी काम करता है। इसके अलावा जो कुछ वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, उनके अंदर जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा ये एग के अंदर जो है एल्ब्यूमिन की सूरत में पाई जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन एग में पाई जाती है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, उनमें भी रिजर्व फूड के तौर पर काम करते हैं। प्रोटीन उनके अंदर भी स्टोरेज फॉर्म में पाई जाती है। कंट्रैक्टिलिटी क्या होते हैं कि आपके जो मसल्स की मूवमेंट है, कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है मसल्स की, तो उसमें भी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्टिन और मायोसिन, ये दो प्रोटीन्स ऐसी हैं जो मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा जो एक प्रोटीन है डाइन, जो सीलिया और फ्लीजेला के अंदर पाई जाती है। फ्लीजेला मैं आप लोगों को इसमें बैक्टीरिया के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर बालनुमा एक साख्त होती है जिसे फ्लीजेला कहा जाता है। और फ्लीजेला क्या करता है, बैक्टीरिया के लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा सीलिया जो है ये ह्यूमन नोज जो होता है, ईयर होते हैं, उनके अंदर भी सीलिया पाए जाते हैं। और सीलिया की और साइनोसिस जो होती हैं उनमें सीलिया पाए जाते हैं। और सीलिया की मूवमेंट की वजह से उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है। तो सीलिया फ्लीजेला के अंदर जो प्रोटीन है वो डाइन है, और जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं ये मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। मसल्स की जो कंट्रैक्शन है उसको उसमें इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा एक और प्रोटीन है जो कि इसमें स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ी हुई होती है। ट्यूबलिन प्रोटीन है इसका नाम। ये क्या करती है कि जैसे सेल डिवीजन हो रही होती है तो आधे क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाते हैं क्रोमोसोम, और आधे दूसरी साइड पे, हाफ ऑफ क्रोमोसोम की डिवीजन होती है। तो ये डिवीजन कैसे होते हैं कि सबसे पहले क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर के ऊपर इकट्ठे होते हैं मेटाफेज के अंदर। फिर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं, एक स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर जो हैं इन क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं सेकंड स्टेप में। फिर जो फाइबर्स हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं, और जो इनको कंट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोटीन होती है वो होती है ट्यूबलिन प्रोटीन। कंट्रैक्शन के बाद आधे क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाएंगे और आधे दूसरे पोल पे, इस तरह एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा।
तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये स्पिंडल फाइबर में कंट्रैक्टिलिटी के लिए इन्वॉल्व होती है, एक्टिन और मायोसिन्स मसल में होती हैं, और डाइन जो है वो सीलिया और फ्लीजेला में पाई जाती है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं। जब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तो हमारे जहन में एक प्रोटीन आती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन। ये क्या करती है कि लंग्स में से ऑक्सीजन को कैरी करती है, और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला, ये हार्ट में जाता है, हार्ट से ये पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स की, और उसके रिस्पांस में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करेगी, दोबारा हार्ट में वो ब्लड आएगा, हार्ट से लंग्स, और लंग्स से आपके जिस्म से बाहर जो है रिमूव हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे मेटालिक आयंस को अपने साथ ले जाती है। ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन है, ये क्या करती हैं ब्लड को क्लॉटिंग जो है, ब्लड की क्लॉटिंग उसमें यूज़ होती हैं। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन क्या होती है कि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के साथ एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए के साथ मिलके आपकी जो विरासत की मुंतकिली होती है, जींस का जो ट्रांसफ़र होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम मूवमेंट के अंदर मैंने यहाँ स्पिंडल फाइबर के साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बताई है। तो ये क्या करते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाती है और स्पिंडल फाइबर को कंट्रैक्ट करने में मदद देती है। इसी तरह दोनों साइड के जो क्रोमोसोम हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुँच जाते हैं और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये आज हमारा था प्रोटीन का चैप्टर, जिसमें हमने उसके बियोलॉजिकल रोल्स पढ़े हैं। कौन कौन से रोल्स हैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है और लिपिड की। एनर्जी सोर्स होते हैं कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि जब अमाइनो एसिड प्रोटीन टूटते हैं तो अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड टूटता है तो डीअमाइनेशन के प्रोसेस के जरिए अमोनिया रिलीज हो जाता है और बाकी दोनों कंपाउंड जो है वो क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा जब हम डाइट से प्रोटीन लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारे बॉडी को नाइट्रोजन और सल्फर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब हम 1 ग्राम जो है प्रोटीन का लेते हैं तो उससे हमें 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। जो एंजाइम है, एंजाइम क्या करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ये ज़्यादातर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हार्मोन काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो प्रोटीन के बने हुए हैं, इसकी एग्जांपल में इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन है। रिजर्व फूड क्या होते हैं कि प्रोटीन वेजिटेबल पल्सीज फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एग के अंदर भी एक प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन होती है। कंट्रैक्टिलिटी के मसल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से होती है। सीलिया और फ्लीजेला जो कंट्रैक्ट होते हैं वो डाइन प्रोटीन की वजह से होते हैं, और स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से कंट्रैक्ट होते हैं। ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स में ले जाते हैं और बॉडी के सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर जो है ट्रांसफ़र करने में मदद देती है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन। ये दोनों प्रोटीन्स क्या करते हैं ब्लड को क्लॉट करवाती हैं। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होती है। और क्रोमोसोमल मूवमेंट में वही स्पिंडल फाइबर का जिक्र है कि ये जो स्पिंडल फाइबर के साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन इन्वॉल्व होने के बाद दोनों जो क्रोमोसोम हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाते हैं, जिसके नतीजे में एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसमें ये माइटोसिस का भी प्रोसेस होता है। मियोसिस में माइटोसिस से एक सेल से दो सेल बनते हैं, और ये जो है आपके नॉर्मल बॉडी सेल जो हैं उसमें माइटोसिस होती है, और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और ये जो आपके गैमेट्स होते हैं स्पर्म और एग वो मियोसिस के प्रोसेस के जरिए बनते हैं।